हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? आज हम प्रोनाउन कितने होते हैं, ओके? प्रोनाउन के टाइप्स जानने जा रहे हैं, ओके? टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स 10 होते हैं, ओके? प्रोनाउन किसने होते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में बोलते क्या है? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम, ओके? और ये संख्या में होते कितने? टाइप्स कितने होते हैं? 10 होते हैं, ओके? संख्या में ये 10 होते हैं, ओके? 10, ओके? तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इनके नाम प्रॉपर रूप से याद नहीं रहते हैं, ओके? तो मैंने इन प्रोनाउन को याद करने के लिए ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है? ट्रिक बनाई है, ओके? तो ट्रिक हमारी किस प्रकार से है? ट्रिक है हमारी पर्सनल रिपोर्ट। क्या लिखा मैंने? पर्सनल रिपोर्ट दे दी। क्या लिखा मैंने? पर्सनल रिपोर्ट दे दी, ओके? पर्सनल रिपोर्ट दे दी। फिर है इंडिया, इंडिया रेसी इंटर। ये हमारा एक शानदार वाला ट्रिक है और इस ट्रिक के जरिए हम लोग इन प्रोनाउन के नेम याद रख सकते हैं, ओके? तो प्रोनाउन, पहले प्रोनाउन का हिंदी मीन क्या होता है? सर्वनाम। और संख्या में होते कितने हैं? 10, ओके? इसको ट्रिक याद रखने का जो ट्रिक क्या है वो है पर्सनल रिपोर्ट दे दी इंडिया रेसी इंटर, ओके? अब हम इनके नाम तैयार करते हैं इस ट्रिक के जरिए, ओके? तो पर्सनल से मतलब है पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन, ओके? पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल से मतलब है पर्सनल प्रोनाउन, ओके? हमारा सेकंड वाला है वो क्या है प्रोनाउन? आरई। आरई से मतलब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन, ओके? और थर्ड वाला हमारा जो प्रोनाउन है वो कौन सा है? पीओ। या आप कह सकते हैं पीओआरटी तो लिखा हुआ है, इसमें हम पीओ को पकड़ेंगे, ओके? पीओ, ओके? पीओ से मतलब है हमारा पॉजेसिव। कौन सा? पॉजेसिव प्रोनाउन, ओके? पॉजेसिव प्रोनाउन। डीई से मतलब है हमारा, डीई से मतलब है डिमॉन्स्ट्रेटिव। कौन सा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके? तो डीई से मतलब मैंने क्या लिखा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डीआई से मतलब क्या है हमारा? डीआई से मतलब है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ओके? ओके, हमारा सिक्स वाला जो प्रोनाउन है वो कौन सा है? हम ले चलते हैं यहाँ पे इंडिया। इंडिया से मतलब हुआ हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। कौन सा? इंडेफिनेट, इंडेफिनेट प्रोनाउन, ओके? और रेसी से अगर बात करें तो रेसिप्रोकेल प्रोनाउन। कौन सा? रेसिप्रोकेल, रेसिप्रोकेल प्रोनाउन, ओके? और अगर हम बात करें इंटर की तो हम ले लेते हैं आई एन टी। क्या ले रहा हूं मैं? आई एन टी। आई एन टी से हमारा एट वाला प्रोनाउन क्या बन जाता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ओके? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हम बात करते हैं नाइन वाले प्रोनाउन की, तो ई और आर बच रहा है, ई और आर, ओके? तो ई का मतलब हो गया इंफेटिक प्रोनाउन। कौन सा? इंफेटिक, इंफेटिक प्रोनाउन, ओके? और टेन वाला हमारा लास्ट वाला जो प्रोनाउन है आर से, आर से बोले तो आर का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये 10 प्रोनाउन है और इनके आप नाम तैयार करो, क्योंकि ये नेम याद नहीं रहते हमें 10 प्रोनाउन के नेम, तो आप इस ट्रिक के जरिए अच्छे से इनके नेम याद कर सकते हैं, ओके? अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे, ओके? थैंक यू वेरी मच।